नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। ये वीडियो एक नोटिफिकेशन वीडियो है रिगार्डिंग उन बच्चों के लिए जिनका कोर्स एक्सपायर हो गया है और उसे रिन्यूअल कराना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप लोग अपने अगर प्रोफाइल को जाके खोलें तो यहाँ पर वैलिड अप टू दिखाई देता है। वैसे तो इस कैंडिडेट का अवेलेबल है, लेकिन अगर इनकेस आपका एक्सपायर हो गया है तो आप लोगों को बताया गया है अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाइए और यहाँ से आप लोग अपना अपग्रेड करा सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए, जिन लोगों का ये कोर्स एक्सपायर हो गया है, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी दुख भरी न्यूज़ है। दुख भरी न्यूज़ इसलिए कहेंगे क्योंकि नेलेट ने कहा है कि हम लोगों ने 15 अप्रैल तक का टाइम दिया था आप लोगों को इसे रिन्यू कराने का। अगर आपने 15 अप्रैल तक का रिन्यू नहीं कराया है तो आप अब रिन्यू नहीं करा सकते। अब दोबारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होंगे ऑलमोस्ट जून में, और जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होंगे तभी आप लोगों का री रजिस्ट्रेशन भी ओपन होगा। यानी कि आप किसी भी सूरत में जुलाई वाले एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ध्यान रखिएगा, री रजिस्ट्रेशन आप लोगों का जब दोबारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होंगे, एक्सपेक्टेड है जून में, तभी आप लोग अपना रिन्यू करा पाएंगे और तब तक आप लोगों की डेट निकल चुकी होगी। अब आप लोगों को एग्ज़ाम देने को मिलेगा जनवरी 24 में। तो ये तो एक बड़ी ही असमंजस वाली बात हो गई है। बच्चों का 6 महीने इसमें बर्बाद हो गया है। तो बच्चों, आप लोगों का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो वो लोग अब रिन्यू नहीं करा सकते। दूसरी चीज़, एक और सबसे बड़ी असमंजस वाली बात आ गई है कि जिन बच्चों का पहले से 4 पेपर पास है और सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं पास है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस कैंडिडेट के सभी पेपर्स और प्रैक्टिकल पास है। तो जिन बच्चों का ओ लेवल में, कुछ बच्चे ऐसे भी मेरे पास आए जिन लोगों के पेपर सारे निकल गए थे और प्रैक्टिकल सिर्फ बचा हुआ था। अब नेलेट ने कहा कि हम लोगों ने प्रैक्टिकल पास करने के लिए आपको 2 दिए थे और 2 में आप लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं क्वालिफाई किया या फिर आपने मिस कर दिया, किसी भी कारण से आप लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं किया है, तो हो गया है सब बेड़ागर। अब बेड़ागर वर्ड मैंने इसलिए बोला क्योंकि अब नेलेट इस चीज़ का जवाब नहीं दे पा रहा। वहाँ तक कि मेरे को ये भी सुनने को आ रहा है कि उस कैंडिडेट को फिर से ओ लेवल करना पड़ेगा अब R5 के अकॉर्डिंगली, क्योंकि नेलेट ने उन लोगों का प्रैक्टिकल के लिए कोई सुविधा इस बार नहीं प्रोवाइड की है। 2 तक उन लोगों ने दिए थे चांसेस जिन लोगों के बचे हुए प्रैक्टिकल्स थे, अब वो टाइम निकल गया है तो अब उनको दोबारा प्रैक्टिकल देने को नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रैक्टिकल। तो अब वो दोबारा नए सिरे से सारे पेपर देंगे, लेकिन अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि वो दोबारा। नेलेट को रिक्वेस्ट लेटर भेजी हैं बच्चों ने, रिक्वेस्ट भी की है कि सर इस बार प्रैक्टिकल करा लीजिए, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक, नहीं तो ऐसे बच्चों के साथ बहुत बुरा होगा क्योंकि उनको फिर से R5 में 4 पेपर नए पैटर्न के अकॉर्डिंगली देने पड़ेंगे। बच्चों, ये 2 बड़ी न्यूज़ थी। आई होप आप लोगों को ये न्यूज़ काम आ गई होगी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखिए ताकि किसी भी तरीके की जो नेलेट से जुड़ी हुई न्यूज़ हैं वो आपसे मिस ना हों।